हेलो, वेलकम टू प्रगति वर्ल्ड। मैं हूँ प्रगति, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। यदि फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कॉफी की साइड इफेक्ट, क्योंकि इससे पिछले ब्लॉग में मैंने कॉफी की बेनिफिट बताई थी और मैंने बताया था कि मैं साइड इफेक्ट भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बेनिफिट बताने के बाद मुझे लग रहा था कि यदि बेनिफिट बताने के बाद बहुत सारे लोग सोचेंगे कॉफी की बेनिफिट बहुत सारी है तो मैं कॉफी पी लेती हूँ, पर बहुत से हेल्थ इश्यू में कॉफी पीना हानिकारक होता है, नुकसानदायक होता है। तो उसके लिए मैंने साइड इफेक्ट भी मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए, तो आज मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारी हेल्थ इश्यू में कॉफ़ी नहीं पी सकते। तो कौन कौन से हेल्थ इश्यू में आप कॉफ़ी नहीं पी सकते हैं, वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले है हाई प्रेशर वाले। हाई प्रेशर वाले कॉफ़ी ना पिए, जिससे उनके प्रेशर बढ़ सकती है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर टू, यदि आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम है, आपको नींद अच्छी नहीं आती है, तो कॉफ़ी ना पिए, क्योंकि कॉफ़ी हम पीते हैं लेट नाइट में। यदि ऑफिशियली वर्क करना है या अदर कुछ काम करना है तो हम कॉफ़ी पीते हैं, जिससे हमारी एनर्जी लेवल बूस्ट हो, हम लेट नाइट तक जग सकें। पर यदि आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम है और आप कॉफ़ी पीते हो तो आपको नींद नहीं अच्छी आएगी, नेक्स्ट मॉर्निंग आप लेजी फील करोगे, कोई भी काम एक्टिव से नहीं कर सकते हो, आपको बहुत ही थकान से महसूस होगी, जिसके कारण आपकी पूरी दिन आपको लेजीनेस लगे, आपकी डाइजेशन सही नहीं होगी, आपको मसल्स पेन होगा, तो ये सारी हेल्थ इश्यू आएगी। तो यदि आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कॉफ़ी का सेवन ना करें। थर्ड नंबर है, प्रेग्नेंट लेडीज़ इसे ना लें, क्योंकि यदि प्रेग्नेंट लेडीज इसे लेती हैं तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ यदि पीना भी चाहती है तो वन कप वो भी ब्लैक कॉफ़ी पी सकती है विद अ शुगर, क्योंकि यदि आप पीते हो तो आपको मिसकैरेज की चांसेस रहेगी, आपकी जो बेबी है वो ग्रोथ सही नहीं होगी। तो मैं सजेशन तो बोलूँगी कि आप कॉफ़ी ना पिए तो ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद है फोर्थ नंबर, यदि आपको यूटरस फाइब्रॉइड है तो कॉफ़ी का सेवन ना करें। यदि कॉफ़ी का सेवन आप करते हो तो उसे यूटरस फाइब्रॉइड बढ़ने की चांसेस ज़्यादा रहती है। और यदि कॉफ़ी आपको पीनी भी है तो आप कॉफ़ी हमेशा इवनिंग आवर तक, 4 बजे तक आपको स्नैक्स यदि लेनी है शाम के वक्त, तो आप यदि स्नैक्स पीते हो तब तक आप पीना, क्योंकि कॉफ़ी यदि हम पीते भी हैं तो उसका इफेक्ट कम से कम 5 या 6 आवर तक रहता है, जिसके कारण हमें लेट नाइट में नींद नहीं आती। उसके लिए आपको यदि कॉफ़ी पीनी है तो आप शाम के 4 बजे तक, आप इवनिंग आवर्स में तब तक आप पी सकते हो। फिफ्थ नंबर है, यदि आप उसको कॉफ़ी को हैबिट कर ले रहे हो, दिन में आप 5-6 कप पी रहे हो, तो वो गलत है, क्योंकि इससे आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक हो सकती है, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो आप यदि कॉफ़ी पीना चाहते हो दिन में 2 या 3 कप, वो भी आप लाइट कॉफ़ी, ज़्यादा स्ट्रांग करके आप कॉफ़ी ना पिए, लाइट कॉफ़ी आप दिन में 2 या 3 कप पियोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी भी रहेगी और कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं आएगी। तो ये थे मेरी कॉफ़ी की कुछ साइड इफेक्ट जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। यदि आपको आज की ब्लॉग अच्छी लगी ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और आगे मैं भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी, और उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। टेक केयर, बाय और नमस्ते।